मॉर्निंग। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत में और मुद्दा में। आइए हम अपने मेहमान से फिर से बातचीत शुरू करते हैं। शास्त्री जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात रही नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर। दो तीन दिन से ये खबर आ रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जो उमर अब्दुल्ला हैं वो दिल्ली आए। उन्होंने कई बीजेपी के नेता जैसे राम माधव हैं, अरुण जेटली हैं या मौजूदा बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं अमित शाह, उनसे मुलाकात हुई उनकी। उसके बाद कहा जाता है कि बीजेपी नेताओं ने फारूक अब्दुल्ला, जो कि अभी लंदन में छुट्टियां बिता रहे हैं, उनसे भी संपर्क किया गया। तो क्या बीजेपी के लिए एक बेहतर ऑप्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस हो सकता है क्या? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि शुरू से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ कर दिया है कि वो चीफ मिनिस्टरशिप नहीं चाहते। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि वो अपना चीफ मिनिस्टर 6 साल के लिए रख सकती है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पे कितना एतमाद किया जाए, कितना विश्वास किया जाए, वो कब तलक उनके साथ है और कब छोड़ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ पहले भी बीजेपी वहाँ पर सरकार बना चुकी है और वो चली भी है, लेकिन उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी थे। अब सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीच में ये कहा भी था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता, अब वो आकर के मिले हैं। पता नहीं उनका किस तरह का हृदय परिवर्तन है, क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जो हैं वो दोनों तरफ की बातें करते हैं। एक तरफ वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए पीडीपी के साथ जाने की बात करते हैं, समर्थन की बात तो उनकी, और एक तरफ वो दिल्ली में आकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और आरएसएस के नेताओं से मुलाकात करते हैं। तो ये मैसेज जो है वो बड़ा कंफ्यूजिंग मैसेज है। भारतीय जनता पार्टी भी मुझे लगता है कि उससे कुछ फर्म डिसीजन नहीं ले पा रही है। अदरवाइज जो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन से उनकी सरकार बन जाती है और 6 साल उनका चीफ मिनिस्टर काम करता है। लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि लगभग पीडीपी जैसी कंडीशंस जो है उमर अब्दुल्ला भी डालेंगे, तभी वो आगे बढ़ पाएगी बात, नहीं तो मुझे नहीं लग रहा है कि उसमें भी बहुत ज़्यादा कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, बीजेपी के लिए वो एक आसान ऑप्शन हो सकता है। और आप एक मैसेज जो आप चुनाव सभाओं के दौरान देते थे कि हमारा मुख्यमंत्री होगा बीजेपी का, और उस तरह से एक बात जो आप उसके विकास की बात करते थे, उसमें कहीं ना कहीं आपको एक जो शांत भाव से आपको सत्ता में रहने की आज़ादी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ होगी। हाँ, हो सकता है कुछ हद तक। अभी इस वक्त हमको ऐसा लगता है कि पीडीपी के मुकाबले नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है, पर मुझे लग रहा है कि बढ़िया ऑप्शन पीडीपी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्यों? कि कश्मीर जो है, कश्मीरी बेसिकली ये दो मुद्दे अगर नहीं उठते, आर्टिकल 370 का ही एक मुद्दा अगर कश्मीर का चुनाव के दौरान नहीं उठता, तो भारतीय जनता पार्टी को घाटी में भी फायदा हो सकता था, उनको कुछ सीटें आ सकती थी। कारण क्या है उसका? कारण ये है कि वहाँ की पब्लिक भी अब परेशान हो चुकी है, ये आतंकवादी और ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट और ये सब, इनको वो छोड़ करके आगे बढ़ जाना चाहती है और डेवलपमेंट के मुद्दे पे वो बात करना चाह रही। तो पीडीपी भी इस चीज़ को सूंघ रही है कि डेवलपमेंट के बगैर हम यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे, हम पाकिस्तान के साथ जाने के मुद्दे पे या जो अलगाववादी नेता हैं उनको समर्थन करके कुछ हासिल नहीं करने वाले हैं। उनको भी पता है कि यहाँ की जनता के बेटरमेंट के लिए अगर हम कुछ कर पाए तो हम यहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट दे सकते हैं और हमारी जड़ें भी मजबूत हो सकती हैं, और वो पॉसिबल है भारतीय जनता पार्टी के साथ लेने से। भारतीय जनता पार्टी भी इसी तरह के एजेंडे पे काम करना चाहती है ताकि वहाँ पर घाटी के लोगों का दिल जीत करके भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के नक्शे को बदल सके। तो दोनों के लिए ये फ़ायदे का सौदा है कि पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी साथ आएँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए पीडीपी ज़्यादा फायदे का सौदा रहेगा अगर दोनों का अलायंस होता है। शास्त्री जी, अब एक सवाल हमारे जहन में आ रहा है झारखंड को लेकर, जहां बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब तो हो गई है और सरकार किसी कहीं ना कहीं आसू की तरफ से, लेकिन वहाँ बीजेपी ने एक नया रिस्क लिया है कि आप नॉन ट्राइबल सीएम को आप प्रोजेक्ट कर दिया है आपने, और अब तक राज्य गठन के बाद
क्योंकि जब बिहार के साथ झारखंड था तो एक सीधा सा कॉन्सेप्ट था उसमें कि भाई आदिवासियों को अपना हक नहीं मिल पा रहा है, आदिवासी पिछड़ गए हैं, इसलिए राज्य का विभाजन हुआ था। उसके बाद आदिवासी मुख्यमंत्री बनते गए, हालांकि वो राज्य लगातार विवादों में रहा और भ्रष्टाचार में लिप्त रहा, उसको लेकर बड़ी बदनामी हुआ, उस राज्य का विकास तो रुक गया। लेकिन अब फिर एक बार नॉन ट्राइबल सीएम बीजेपी देके एक बड़ा रिस्क लिया है। ये रिस्क तो लिया है और इस मुद्दे को, इस ट्राइबल नॉन ट्राइबल के मुद्दे को उठा करके कुछ नेता जो है इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि जब इतने लंबे समय से, जब से ये राज्य बना है, उसके बाद ट्राइबल वहाँ पर चीफ मिनिस्टर रहा है और उन्होंने क्या हश्र इस स्टेट का किया वो तो हमारे सामने है। अब मुझे बताइए कि क्या कोई ट्राइबल ऐसा है जो आपको दिखाई दे रहा है कि वो इस स्टेट का कल्याण कर सकता है? तो मुझे नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये नॉन ट्राइबल जो है चीफ मिनिस्टर दे करके कोई गलती की है। असल में पब्लिक को, ट्राइबल को और झारखंड के लोगों को एक ऐसा चीफ मिनिस्टर चाहिए जो चोरी न करे, जो बेईमानी न करे, जो पैसे न खाए और स्टेट के डेवलपमेंट के लिए काम करे। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं या कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस स्टेट में नॉन ट्राइबल चीफ मिनिस्टर दे रही है तो उसके पीछे एजेंडा डेवलपमेंट का है। अगर नॉन ट्राइबल चीफ मिनिस्टर भी अगर स्टेट में डेवलपमेंट ले आता है तो मुझे नहीं लग रहा कि ट्राइबल्स को कोई आपत्ति होगी। हो सकता है दो चार नेताओं को आपत्ति हो क्योंकि उनका मौका ख़त्म हो गया। चुनाव प्रचार के दौरान भी देखा गया कि जो शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन जो मौजूदा वर्तमान में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस बात को बड़ा उछाला था कि भाई ट्राइबल की भूमि है, ट्राइबल को हक मिलना चाहिए। उसके बाद ऐसे में बीजेपी ने भी एक कदम आगे बढ़ाकर इस बार एक रिस्क लेने की कोशिश किया कि भाई नॉन ट्राइबल दिया। भले ही वो उनका वो लोग उठा रहे हैं कि मुद्दा कि वो छत्तीसगढ़ से हैं और जो बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने भी इस मसले को उछाला है। उनको लगता है कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो ये आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं कारगर या इसका एक असर दिखेगा? ये डिपेंड करेगा कि जो नॉन ट्राइबल चीफ मिनिस्टर आ रहा है वो किस तरह की परफॉर्मेंस देता है। अगर डेवलपमेंट का काम अच्छा चला और स्थितियां बेहतर हुई तो मुझे लग रहा है कि ये जो ट्राइबल के नाम पे जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये हेमंत सोरेन या इनके पिताजी या दूसरे जो ट्राइबल तमाम उठ खड़े हुए हैं, इन्होंने किया क्या है मुझे बताइए। एक कोड़ा साहब थे, ट्राइबल चीफ मिनिस्टर थे, आप देख लीजिए वो जेल भुगत रहे हैं। सोरेन के ऊपर, शिबू सोरेन जी के ऊपर कितने सारे आरोप लगे हुए हैं। तमाम दूसरे नेताओं की हालत ख़राब है। भारतीय जनता पार्टी के अपने ट्राइबल नेता जो हैं वो हार चुके हैं, उनकी इमेज जो है ट्राइबल्स के अंदर अच्छी नहीं है। तो या तो कोई डायनेमिक ट्राइबल नेता इनके पास होता जिसके बूते पे ये कहते कि चलिए ये डेवलपमेंट करेंगे। अब अगर आपके पास नेता नहीं है तो नॉन ट्राइबल लाइए और नॉन ट्राइबल के बूते पे स्टेट का डेवलपमेंट करिए, तो फिर ट्राइबल और नॉन ट्राइबल दोनों खुश होंगे। और दूसरा एक देखिए, ये कॉन्सेप्ट भी गलत है कि ट्राइबल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जिस स्टेट में ट्राइबल्स की पॉपुलेशन 30% है और 70% नॉन ट्राइबल हैं, तो ये कौन सा मुद्दा हो गया कि हमेशा ट्राइबल चीफ मिनिस्टर होना चाहिए? ये तो गलत है। और जो थोड़ा सा कम शिक्षित वर्ग है जो ट्राइबल का, उनके सेंटिमेंट्स से खेलना तो एक अपराध है, मैं समझता हूँ। जो लोग इनके सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं वो आपराधिक कृत्य करते हैं। विकास अहम है, विकास उस राज्य को ही सही दिशा दे सकता है। शास्त्री जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बातचीत में भाग लिया। ये थे देवेंद्र शास्त्री जी जो हमसे बात कर रहे थे। दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद जो स्थितियां बनी हैं उसको लेके अपना विचार रख रहे थे, अपना एक रुख रख रहे थे। आज मुद्दा और इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और नए मेहमान के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।